सस्याकाल, आदा, शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार सभी मित्रों को। बात भ्रष्टाचार की चल रही है, इसको कैसे समाप्त किया जाए। भ्रष्टाचार का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि जैसे शुद्ध वायु ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं और उस ऑक्सीजन के अंदर दूषित वायु हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। ऑक्सीजन के साथ साथ दूषित वायु शरीर में प्रवेश करने से हमारा शरीर जो है पूरा शुद्ध होने की बजाय दूषित हो गया, अनेक बीमारियां अंदर घर कर गई। वैसे ही हमारे देश के कोने कोने में हर डिपार्टमेंट, हर जगह भ्रष्टाचार, भ्रष्ट लोग निवास करते हैं। एक को समाप्त करे दूसरा ऊपर आता है। जगह जगह सीसीसी कैमरे लगे हुए हैं, लोग अगर वहां पे भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो सीसीसी कैमरे की रेंज से बाहर जाके करेंगे, कहीं दूसरी जगह करेंगे, पर भ्रष्टाचार तो करेंगे। भ्रष्टाचार करना उनकी आदत बन गई, उनके खून में शामिल हो गया। लोगों को क्या नुकसान हो रहा है, देश को क्या हानि पहुंच रही है, किसको क्या मिल रहा है, कोई मतलब नहीं। अपना गला भरो, अपना उल्लू सीधा करो। तेल लेने जाए दुनिया, बाढ़ में जाए दुनिया, उनका यही मतलब होता है। ऐसे भ्रष्ट लोग पता है एक नारा लगाते हैं, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है मनी मनी मनी, कैसे बनाया जाए मनी। उनके लिए इंसानियत तो खत्म हो ही चुकी है। जैसे एक बड़ी मछली एक बड़े सारे तालाब के अंदर छोटी छोटी मछलियों को निगल लेती है और पूरे तालाब को दूषित कर देती है, उसी प्रकार भारत के कोने कोने में ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तालाब में से एक बड़ी मछली को निकाल दो तो कम से कम छोटी मछलियां तो सेफ रहेगी, उनको तो नहीं निगलेगी। उसी प्रकार भ्रष्टाचार को अगर मिटाना हो तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट, नेता, अभिनेता, इनके घर से शुरुआत करनी होगी। छोटे छोटे तो स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। भ्रष्टाचार की नींव वही लोग डालते हैं, वही लोग जल्दी से जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में, अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में भोली भाली जनता को लूटते हैं। स्कूल में भी आजकल बिना डोनेशन के एडमिशन नहीं होता है, परसेंटेज वाले बच्चा कितना ही लिख गया हो, कॉम्पिटिशन में उसका कोई नंबर नहीं आता है। यहाँ पे भी आरक्षण आरक्षण, हर जगह भ्रष्टाचार। मेरे बेटे के 80% नंबर आए थे और मेरे को उसको स्कूल में एडमिशन दिलाना था। मैंने फोन करके पता लगाया तो पता चला कि वहाँ पे 80% नंबर कोई मान्य नहीं रखते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरे को ये कहा कि विद्या स्कूल एक मंदिर है, यहाँ पे जितना चढ़ाओ चढ़ाओ उतना ही अच्छा है, परसेंटेज की जरूरत नहीं है, आपके पास में कितना चढ़ावा चढ़ाने के लिए है वो चढ़ाओ और बच्चे को एडमिशन दे दो। थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा था, मैंने कहा ना मैं रिश्वत देती हूँ ना रिश्वत लेती हूँ, भले मेरा बेटा जो है छोटी स्कूल में ये एडमिशन ले, अगर उसमें एबिलिटी होगी तो वो वैसे